Let's see. Question number 6. Okay. Find the side and the perimeter of the square whose diagonal is 10 cm. Okay. डायग्राम बनाया रेक्टेंगल का बराबर, तो इसमें ही बोला है जो डायगोनल है उस डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया गया 10 सेंटीमीटर, इट इज अ डायगोनल, हमें साइड निकालना है और पैरामीटर निकालना है, ओके हमें क्या निकालना है साइड एंड पैरामीटर, ओके यहां पे लिखेंगे हमने सॉल्यूशन, फर्स्ट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल का फर्स्ट फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल सॉरी ए बी सी डी इज द स्क्वायर, ओके ए बी सी डी इज द स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल स्क्वायर, स्क्वायर का फर्स्ट फॉर्मूला होता है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इसको एज्यूम किया ए पर एज्यूम किया इतना लिखे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो 90 है, देयरफॉर एंगल हम बोल रहा है ए बी सी इक्वल टू 90 है, अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी व्हाट इज हाइपोटेनस साइड ऑफ दिस ट्रायंगल ए सी, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ वी पुट डाउन द बेंड, वी विल पुट डाउन द बेंड एसी 10 स्क्वायर एबी ए स्क्वायर प्लस बीसी कांग्रेट साइड दैट इज अ ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50, ए स्क्वायर इक्वल टू 50 देयरफॉर ए इक्वल टू 5√2 आ जाएगा, 5√2 इसका हम यहां पे करके दे देते हैं, 50 दिया गया है, 5 टेंस आर 5 टूस आर जो भी नंबर दो बार आता है बाहर आ जाता है, जो सिंगल नंबर था रूट के अंदर जाता है, दैट इज नोन एज द 5√2। द साइड साइड ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर गिवन सेंटीमीटर, ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ square is 4 into side, 4 into side, 4 into what is the side 5√2 multiply outside 4 5 sa bahar ke dono ko multiply kiya jaye 4 5 kitna ho jata hai 10√2 centimeter, therefore perimeter of square is 20√2 सेंटीमीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। दो चीज फाइंड आउट करना था साइड एंड पैरामीटर निकाल दिया, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार, यहां पे दिया ए बी सी डी रेक्टेंगल, यहां पे डायग्राम खुद बनाना है, गिवन खुद लिखना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि खैर ओनली स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम बनाया हमने स्क्वायर का, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, इट इज द स्क्वायर, ओके क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया है, ए बी सी डी इज द स्क्वायर, फाइंड पैरामीटर ऑफ पैरामीटर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, सॉल्यूशन दिया हमने लिखा ए बी सी डी इज द स्क्वायर, साइड में स्क्वायर में ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, ओके इसको एज्यूम किया ए, हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी 90 डिग्री का साइन है, देयरफॉर ए बी सी इक्वल टू 90, पाइथागोरस साइड AC square equal to AB square plus BC square, okay? AC कितना दिया है यहाँ पे? 10 से। AB कितना दिया था हमने? Assume किया A। BC कितना assume किया? A। तो A square A square। 10 का square 100 होता है। A square plus A square 2A square। 2 को नीचे carry किया,
ओके 2 से डिवाइड किया 50 आया, और 50 को आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये क्या इसका प्राइम फैक्टर निकला 5 5 2 2, दो भी जो भी नंबर दो बार आता है उसको रूट के बाहर लिया जाता है और सिंगल टाइम जो आने वाले को रूट के अंदर निकाला जाता है। देयरफॉर a इक्वल टू 5 √2, इट वाज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये क्या है साइड है 5 √2 5 √2 5 √2 5 √2, ओके। अब पैरेंट क्या निकाला, पैरेंट ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड 4 √2, व्हाट इज द साइड गिवन हियर, व्हाट वी हैड फाइंड द साइड 5 √2, हमने पहले निकाला है, वी हैड पुट ऑन देयर एंड मल्टीप्लाई 4 × 5, व्हाट इज द आंसर 20। सिर्फ बार बार वालों को मल्टीप्लाई करना, अंदर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, रूट के अंदर ही वाला मल्टीप्लाई होता है। बाहर वाले मल्टीप्लाई किया 4 × 5 = 20 20 √2 इज द फाइनल आंसर। पेरिमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 20 √2, दैट वाज द सिक्स्थ सम, ओके।